झारखंड सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के युवा को नेतृत्व देना नहीं चाहती। परवेज अख्तर। झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव, झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव, मगध यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर परवेज अख्तर ने कहा कि झारखंड सरकार अल्पसंख्यक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार को बनाने में झारखंड के अल्पसंख्यकों का भरपूर योगदान रहा है, मगर वर्तमान सरकार अल्पसंख्यकों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हिंदू न्यास आयोग, आवास आयोग, गौ सेवा आयोग गठन कर दिया, मगर अफसोस जो भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त निगम और बहुत सारे आयोग गठित किए थे, उसे भी वर्तमान सरकार गठन सरकार नहीं कर पाई। इस सिलसिले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से विस्तार पूर्वक वार्ता हुई और उनसे आग्रह किया गया कि कितना जल्द हो झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त निगम आदि का गठन कर अल्पसंख्यकों के हाथों नेतृत्व देने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी वार्ता करने के लिए जुलाई में दिल्ली जाऊंगा। अगले चुनाव में डंके की चोट पर कहा जा सके कि वर्तमान हेमंत सरकार नया कार्य कर दिखाया है। मैं आग्रह करता हूं कि जितना जल्द हो बोर्ड निगम गठन कर अल्पसंख्यक संघ 2024 के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी आवश्यक और हम जीत कर नया इतिहास बनाएंगे। अल्पसंख्यकों के बोर्ड निगम के गठन के मामले में माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, माननीय राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी और सभी कांग्रेसी के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी नेता के आवाज नहीं उठाई। 29/12/2019 को हेमंत सरकार बनी, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी, अल्पसंख्यकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग भी किया और सरकार बनाया, क्या फ़ायदा हुआ अल्पसंख्यकों को? सबसे पहले तो मैं आज का सच, उसकी ईमानदारी और उसकी निष्पक्षता पर बहुत खुशी जाहिर करता हूं और आपका स्वागत है कि आप हमारे पास आए। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये सवाल पूरे झारखंड में तैर रहा। मैं परवेज अख्तर अंसारी, महामंत्री झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर कांग्रेस के सभी पदों पर रहा हूँ। मुझे बहुत सदमा होता है इस बात पर कि जो सरकार 29/12/2019 को शपथ लेती है और इस संकल्प लेती है कि हम सब समाज के सब लोगों को लेकर चले, विशेषकर अल्पसंख्यकों ने जो 3 बजे भोर में जगकर सुबह से वोटिंग माँ बहन किया शाम तक और आपकी सरकार बनी, 20 साल के वह सरकार को खाड़ फेंका आपने, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन की सरकार ने न तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जिससे अल्पसंख्यकों के मसले हल होते हैं, उसमें एक चेयरमैन होता है, 2 वाइस चेयरमैन होता है, चेयरमैन मुस्लिम समाज से होता है, 1 वाइस चेयरमैन और मुस्लिम समाज से होता है और 1 सिख समाज से होता है और 1 वाइस चेयरमैन ईसाई समाज से होता है और मेंबर्स होते हैं। ये सभी युवाओं को लीडरशिप आपने मार दिया, आज वो लोग बनते तो समाज में जाते, अल्पसंख्यकों के मसले हल करते, लीडरशिप उनका बढ़ता जो समाज को नई दिशा देता, आपने कंप्लीट मार दी। वक्फ बोर्ड हमारा है, वक्फ बोर्ड भी आपने नहीं बनाया, उसमें मुस्लिम चेयरमैन होता, कई सदस्य होते, वो लोग आगे बढ़ते, गरीबों के लिए दुकान बनाते, गरीबों के लिए कुछ काम करते और वक्फ की जमीन पर कुछ नया नया करके लोगों को रोजगार से लेकर करते, वो भी आपने नहीं बनाया। 20 साल में उम्मीद थी कि बिहार के तरफ मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनेगा, मदरसा के लोग बहुत परेशान है और झारखंड खुशी की बात है ज्यादा मदरसे हैं, अच्छी बात है, वो भी नहीं बन पाया। उर्दू अकेडमी बिहार पर बनना था, उर्दू जबान भारत की ऐसी जबान है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जबान है और उर्दू अकेडमी उसकी हिफाजत और तरक्की में काम आता, वो भी आपने नहीं बनाया। अल्पसंख्यक वित्त निगम जो गरीब बच्चों के अल्पसंख्यकों के स्कॉलरशिप का इंतजाम करता है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं आगे बढ़ते, वो भी नहीं किया। इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? आप सब बनाइए, आप न्यास बोर्ड हिंदू बनाइए, आप गौ सेवा आयोग बनाइए, सब बनाइए, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन अकलियतों के साथ इस तरह से दोहरा नीति हेमंत सरकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने खुलेआम तौर पर आलमगीर साहब से परसों वार्ता किया है, जबरदस्त बातें की हैं और हम लोग बहुत जल्द मोमिन कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगा और अल्पसंख्यक के मामले अगर अगले महीने 15 तारीख तक नहीं निपटाएंगे तो हम लोग राहुल गांधी के समक्ष जाकर पूरी सरकार की शिकायत करेंगे और अल्पसंख्यक की सरकार से मोह भंग करके 2024 में नया रणनीति अपनाएगा।